हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 9th मैथ्स का चैप्टर 5 दैट इज इंट्रोडक्शन टू इक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है हम इसमें जो समरी है ना लास्ट में वो वाला हम देखेंगे, तो उसके अंदर ये पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। समरी जो है फर्स्ट है, दो इक्लिड्स डिफाइंड अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन, the definitions are not accepted by mathematicians, therefore these terms are now taken as undefined। मतलब जो Euclid ने ना वो mathematician है जिसने define किया था, इसकी definition बनाई थी point की। point किसे बोलते हैं मैंने आपको बताया already, जैसे एक dot है ठीक है तो वो point होगा। फिर मैंने line के बारे में बताया जो दोनों side से extend हो सकती है, बड़ी हो सकती है, और plane के बारे में बताया था। तो ये सारा जो है डेफिनेशन उसने लिखी थी, लेकिन जो दूसरे मैथमेटिशियन है उन्होंने इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। सो दीज टर्म्स, अभी ये जो पॉइंट है, लाइन है और प्लेन है, तो इनकी कोई भी डेफिनेशन अभी मतलब नहीं हुई है, तो इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। देयर फोर दीज टर्म्स आर नाउ टेकन एज अनडिफाइंड, मतलब साइंटिस्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे मैथमेटिशियन, दूसरे जो मैथमेटिशियन है, तो इसीलिए ये जो टर्म्स है अभी भी अनडिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है, एक्जियम्स और पोस्टुलेट्स आर द एजम्पशंस विच आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, दे आर नॉट प्रूव्ड। एक्जियम्स और पोस्टुलेट्स जो है वो एजम्पशंस है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, दे आर नॉट प्रूव, मतलब वो प्रूव नहीं हुए, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर थर्ड आता है, थियरम्स आर स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड, थियरम तो स्टेटमेंट है जो कि प्रूव हो चुकी है, यूजिंग डेफिनेशंस एक्जियम्स प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट्स एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो ये सारे प्रूफ हो चुके, जो थियरम है ना वो तो प्रूफ हो चुके हैं डेफिनेशन के जरिए, एक्जियम के जरिए, ठीक है, स्टेटमेंट के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर सम ऑफ इक्लिड्स एक्जियम्स वर, ये जो इक्लिड्स मैथमेटिशियन है ना उसकी एक्जियम्स है कुछ 7 एक्जियम्स, वो वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनोदर, मतलब जो थिंग्स इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है, तो वो द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनोदर, ये फर्स्ट उसकी एक्जियम्स। सेकेंड है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है, दो साइड है लेफ्ट और राइट, उसमें इक्वल इधर भी इतना, दोनों पहले इक्वल ही है, अगर उसमें दो एक अमाउंट दोनों साइड ऐड करेंगे तो होल आर इक्वल, तो आंसर भी वो इक्वल ही होगा। ठीक है, जैसे सपोज कर लेते हैं इधर 5 है, ठीक है, राइट हैंड साइड भी 5 है, ठीक है, तो मैंने सपोज यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, सपोज यहाँ 5 है, इधर राइट हैंड साइड 5 है, यहाँ मैंने 5 में 3 ऐड कर दिया, इधर भी 5 में 3 ऐड कर दिया, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा और यहाँ भी 8 हो जाएगा, मतलब इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। थर्ड है, इफ इक्वल्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, मतलब कोई भी इक्वल में से अगर इक्वल सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, 8 दोनों साइड 8 है, उसमें से मैं दोनों साइड से 2 इक्वल करूंगी, 2 माइनस करूंगी, सब्सट्रैक्ट करूंगी, तो दोनों 6 रह जाएगा, मतलब रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनोदर आर इक्वल टू वन अनोदर, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो पार्ट होता है उससे जो होल वो बड़ा होता है, होल मतलब पूरा का पूरा होता है, पार्ट मतलब उसका छोटा सा कोई एक पार्ट है तो वो हमेशा बड़ा होता है। फिर थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनोदर, थिंग्स विच आर डबल होती है कोई भी चीज की तो वो एक दूसरे के इक्वल होती है। थिंग्स विच आर हॉल्स ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनोदर, जो चीजें जो है सेम थिंग की हाल्स होती है, हाफ होती है, वो जो है एक दूसरे के इक्वल होती है। ये हमारी 7 एक्जियम्स हो गए। अब आता है पोस्टुलेट्स, इक्लिड्स की पोस्टुलेट आती है। फर्स्ट है, पोस्टुलेट 1 है कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, एक स्ट्रेट लाइन हमको बनानी है तो वो एक कोई भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बना सकते हैं। सेकेंड है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, कोई भी एक टर्मिनेटेड लाइन है तो वो प्रोड्यूस किया जा सकती है इनडेफिनेटली। थर्ड है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, अगर हमारे पास एक सेंटर है, रेडियस है, तो हम उसका सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर, सारे राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। पोस्टुलेट 5 है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन अ टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than the two right angles,
ठीक है, मतलब एक कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, अभी कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो दो लाइन के ऊपर फॉल हो रही है, तो उसमें जो इंटीरियर एंगल बनता है वो सेम साइड का होता है, ठीक है, इट कैन बी टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, तो वो जो दो राइट एंगल होता है उसके लेस देन के बराबर होता है, देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन, उनका जो एंगल सम का एंगल होता है दोनों का वो टू राइट एंगल से छोटा होता है, कम होता है. फिर आता है सिक्स, टू इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ इक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट्स आर, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी ऑन लाइन ऑन एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल. सेकेंड पॉइंट है इसका, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू सेम लाइन, दो अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कभी भी वो कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, फर्स्ट लाइन के वो कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती. फिर आता है लास्ट, ऑल द अटेम्प्ट्स टू प्रूव इक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट यूजिंग द फर्स्ट फोर पोस्टुलेट फेल, बट दे लीड टू द डिस्कवरी ऑफ सेवरल अदर ज्योमेट्री कॉल्ड नॉन इक्लिडियन ज्योमेट्री. तो ये हमारा चैप्टर जो है समरी फिनिश होता है यहाँ पे, ठीक है, चलो बाय बाय.